बिहार के गया जिले के इमामगंज प्रखंड के क्षेत्र से लगा पड़ोसी राज्य झारखंड से एक दृश्य चौंकाने वाला आया है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाता शख्स ये कह रहा है कि बिहार की पुलिस झारखंड में आकर बालू के ट्रैक्टर को पकड़ रही है, पकड़ने के बाद 30,000 लेकर छोड़ देती है। वीडियो बनाने वाला शख्स ये भी कह रहा है कि यह मामले की किसी पुलिस अधिकारी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि दरअसल यह मामला गया के कोठी थाने से सटे झारखंड के प्रतापपुर प्रखंड के घोड़ीघाट का मामला है, जो कोठी थाने की पुलिस बालू ट्रैक्टर पकड़ने के बिहार से झारखंड चली गई, जहां लोगों ने जब पुलिस का विरोध किया तो पुलिस वाहन को बैक में भगाकर बिहार की ओर निकल गए। पुलिस की वाहन टाटा विक्टा वीडियो में नजर आ रही है। आखिर कोठी पुलिस को इतनी जल्लत क्यों उठानी पड़ी? इस पर पुलिस के सीनियर पदाधिकारी को संज्ञान लेने की जरूरत है। जहां पुलिस को एक रक्षक के रूप में सम्मान दिया जाता है, वहां कैसे पुलिस बन रही है भक्षक? सवाल तो उठता है। ब्यूरो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जिसको बुलाना बुलाइए, तो आप लोग का झारखंड से गाड़ी धर लीजिएगा जी। हाँ तो इकाची है, नहीं सब रंगदारी आप लोग का सब गलत है, ये गलत बात है। चलिए नंदी ना पी आप लोग बिहार से लेके गाड़ी धर के पैसा लीजिएगा, छोड़िएगा गाड़ी, है ना। इससे पहले भी एक वो गाड़ी पकड़ के धर के छोड़ी था 30,000 में। देखिए बिहार पुलिस है झारखंड में आके गाड़ी ट्रैक्टर, बिहार पुलिस कोठी थाना का, पहले अभी आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, गाड़ी रोकिए, जवाब दीजिए, जवाब मांगे, जवाब जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। ये लोग का यही ड्रामा है, गाड़ी धार के लेके जाता है 30,000, 40,000, 50,000 में गाड़ी छोड़ता है। एक कोठी थाना का जो है, एक कोठी थाना का स्टेटमेंट है सर, यहाँ पे धान का फसल है। बिहार झारखंड में आके गाड़ी धरता है लोग, अब पैसा लेके गाड़ी छोड़ेगा। यही नदी है, ये नदी पूरा झारखंड में पड़ता है, इसका लास्ट कोना बिहार में पड़ता है। रुके, दोबारा ऐसा हरकत मत कीजिएगा कि आप लोग बिहार का पुलिस आके झारखंड में गाड़ी मत धरिएगा। दोबारा आने के बाद बेइज्जत करके भेज रहे हैं, करके रख लिया, कोई नहीं घुसता है, बस करो, आगे मत बढ़ो, कोई बस बालू लेके जाना, ईटा ईटा बालू ईटा है।